नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक ऐसा सिलाई केंद्र खुला है जहां पे अभी काफ़ी चर्चाओं में यह सिलाई केंद्र नज़र आ रहा है। बात करें हम अगर इस सिलाई केंद्र की, तो यह पटना का आर ब्लॉक इलाका है जहां पे एक रैन बसेरे में इस सिलाई केंद्र को सेव द चिल्ड्रेन एसोसिएशन की ओर से पटना नगर निगम की के द्वारा ये पूरा सिलाई केंद्र जो है वो चलाया जा रहा है। सिलाई सेंटर सह थैला उत्पादन केंद्र, इस यहाँ पे अगर बात करें हम, तो कुल 20 ऐसे मशीन जो है वो सेव द चिल्ड्रेन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनती नज़र आ रही है। इसी कड़ी की अगर बात करें हम, तो यहाँ साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है, घरेलू महिलाएं जो है, वो अब घर से बाहर निकलकर और एक सिलाई केंद्र में आकर यहाँ पे झोले का निर्माण करती नज़र आ रही है। आइए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ इनकी समस्याएँ थी जिससे वो घर से निकल कर अब यहाँ पर पहुँची है और सिलाई करती नज़र आ रही है। मैम, ये जो है सिलाई केंद्र, ये कैसे हुआ है और क्या है पूरा मामला? ये हम लोग समूह की महिला मिल के एक साथ मिल के काम किए हैं। पहले हम लोग अलग अलग करते थे, जैसे इसमें खास करके सेव द चिल्ड्रेन का सपोर्ट है, क्योंकि मशीन वही लोग दिए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एकजुट मिल के काम कर रहे हैं कि सबका दुख दूर हो महिला लोग का। पहले था कि घर पे करते थे तो उतना काम नहीं चलता था, यहाँ है कि मार्केट में है तो कुछ काम चलेगा, इसी की वजह से। ये झोले का निर्माण जो कर रहे हैं आप लोग, ये कहाँ बेचते हैं या किनको देते हैं आप? ये हम लोग ऑर्डर लेते हैं, जैसे सोनार का हुआ, कपड़ा का दुकान का हुआ, मिठाई का दुकान का हुआ, वहाँ से ऑर्डर लेके तो हम लोग सिल के देते हैं वहाँ पे। एक है कि पॉलीथीन भी अब बंद की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों के झोले का जो डिमांड होगा वो आगे दिनों में बढ़ने वाला है। हाँ, बढ़ेगा, अच्छा होगा, और महिला भी इसमें जुटेंगी, काम बढ़ेगा, महिला जुटेंगी इसमें, हर महिला का भी रोज़गार मिलने का भी आशा रहेगा यहाँ से। अगर सरकार और नगर निगम की अगर बात करें हम, तो नगर निगम से कितना सपोर्ट मिला और रैन बसेरे में जो ये सिलाई केंद्र चल रहा है उसका क्या है पूरा? ये नगर निगम का ज़मीन है, यही है कि जगह वो लोग दिया है, इसीलिए यहाँ पे चल रहा है, नहीं तो हम लोग को दूसरा जगह रहता तो किराया देना पड़ता है, यहाँ है कि कोई किराया नहीं देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से महिलाएं अब स्वावलंबी होती जा रही है और घरों से निकलकर वो सिलाई केंद्रों की ओर मूव कर रही है, और एक रैन बसेरे में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से रैन बसेरे में जो है वो पूरी तरह से सिलाई केंद्र में इसको तब्दील कर दिया गया। इसका पूरा अगर हम बोले सपोर्ट, तो सेफ द पहले था कि घर पे करते थे तो उतना काम नहीं चलता था, यहाँ है कि मार्केट में है तो कुछ काम चलेगा, इसी की वजह से। ये झोले का निर्माण जो कर रहे हैं आप लोग, ये कहाँ बेचते हैं या किनको देते हैं आप? ये हम लोग ऑर्डर लेते हैं, जैसे सोनार का हुआ, कपड़ा का दुकान का हुआ, मिठाई का दुकान का हुआ, वहाँ से ऑर्डर लेके तो हम लोग सिल के देते हैं वहाँ पे। एक है कि पॉलीथीन भी अब बंद की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों के झोले का जो डिमांड होगा वो आगे दिनों में बढ़ने वाला है। हाँ, बढ़ेगा, अच्छा होगा, और महिला भी इसमें जुटेंगी, काम बढ़ेगा, महिला जुटेंगी इसमें, हर महिला का भी रोज़गार मिलने का भी आशा रहेगा यहाँ से। अगर सरकार और नगर निगम की अगर बात करें हम, तो नगर निगम से कितना सपोर्ट मिला और रैन बसेरे में जो ये सिलाई केंद्र चल रहा है उसका क्या है पूरा? ये नगर निगम का ज़मीन है, यही है कि जगह वो लोग दिया है, इसीलिए यहाँ पे चल रहा है, नहीं तो हम लोग को दूसरा जगह रहता तो किराया देना पड़ता है, यहाँ है कि कोई किराया नहीं देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से महिलाएं अब स्वावलंबी होती जा रही है और घरों से निकलकर वो सिलाई केंद्रों की ओर मूव कर रही है, और एक रैन बसेरे में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से रैन बसेरे में जो है वो पूरी तरह से सिलाई केंद्र में इसको तब्दील कर दिया गया। इसका पूरा अगर हम बोले सपोर्ट, तो सेव द चिल्ड्रेन और नगर निगम की ओर से किया गया है। हम एक दूसरी महिला से भी बात करते हैं, वो अपने क्या कुछ तैयारियाँ हैं और क्या कुछ तैयार कर रही हैं आप अपने? हम लोग थैला उत्पादन के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग रोज़गार कर रहे हैं, नगर निगम से हम लोग को जगह मिला है, और सेव द चिल्ड्रेन हम लोग का मशीन जो भी मतलब ज़रूरी का होता है सब दिए हैं, और ये सबसे सपोर्ट हम लोग खेदान मार्केट से ये लाते हैं जाकर ऑर्डर, और खेदान मार्केट में इसको बेचते हैं। सामग्रियों का जो हम बात करें, झोले बनने में जो सामग्री का यूज़ हो रहा है, उसकी मटेरियल आप खुद खरीदते हैं या फिर कोई? नहीं नहीं, हम लोग खुद खरीद के लाते हैं, हम लोग ऑर्डर मतलब देते हैं वहाँ पर ही, कुछ पैसा दिए उसके बाद हम लोग को ऑर्डर दिया सिले, उसके बाद अभी तक तो हम लोग नए हैं, चाहते हैं कि हम लोग संपर्क ऐसा बनाए कि हम लोग का आगे के रोज़गार बढ़ते जाए।
तो अगर बात करें हम तो आगे दिनों जिस तरह से पॉलीथीन बंद होने वाला है तो उसमें आपके झोले की डिमांड भी जो है वो बढ़ने वाली है। जी तो पॉलीथीन बंद हो जाएगी तो हर आदमी के लिए अच्छी होगा, महिला के लिए और जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों बचेगा प्लास्टिक से, तो हर चीज़ ये चीज़ ज़रूरी है हम लोग का कि कपड़ा से बने और मेहनत करें। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से यहाँ महिलाएं जो है वो अब आत्मनिर्भर बनती जा रही है और पटना का ये आर ब्लॉक चौराहा अब कहीं ना कहीं गुलजार होते नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 मशीनें 20 मशीनें ऐसी हैं जो कि महिलाएं द्वारा चला के यहाँ पे झोले का निर्माण किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।